हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब स्वस्थ है, व्यस्त है, मस्त है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्की। आलू की टिक्की तो सब खाते हैं, यहाँ हम बनाने जा रहे हैं छोले से बनने वाली टिक्की। तो सबसे पहले छोले को हम उबाल लेंगे। तो यहाँ हम रात में भिगो के रखे थे, सुबह हम उबाल रहे हैं। तो इसमें हम नमक डाल रहे हैं और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और इसको 2 से 3 सीटी लगने तक पकाएंगे। यहाँ हमारे छोले उबल चुके हैं, तो सबसे पहले ये हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दरदरा, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, छोले और सब्जी तो सब खाते हैं इसके। उसके बाद हम प्याज डालेंगे, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं हमेशा। उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे, हमें हरी मिर्च कम पसंद है, तीखा कम खाते हैं इसलिए हम थोड़ा सा डाले हैं। इसमें हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल रहे हैं, और यहाँ हम थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं, ज़रा सा एकदम। उसके बाद हम यहाँ अरारोट डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे सबको। ये हेल्दी एंड टेस्टी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। छोले बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अब बहुत ही कम तेल में बन जाता है। यहाँ हमें अरारोट कम लग रहा था, तो अच्छे से मिलने के लिए और बनाने के लिए थोड़ा सा और डाले हैं 1 चम्मच। पर आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं अरारोट की जगह। तो इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद इसका गोल पेड़ा बना लेंगे, ये देखिए पेड़े की तरह। उसके बाद इसका टिक्की बना लेंगे। आप दोनों हाथों से अच्छे से बनाइए, यहाँ हम एक हाथ से कैमरा पकड़े हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये देखिए ऐसे टिक्की आप बना लो, बहुत ही इजीली बन जाता है। ये देखिए हमारा टिक्की तैयार है। गैस पे हम तवा बैठाए थे, तवा हमारा गर्म हो गया है। उसके बाद हम उस पर घी लगा लेंगे। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद टिक्की को रख देंगे। यहाँ कम तेल में ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। इसको अच्छे से पलट के हम पका लेंगे। देखिए हम दोबारा, आप चाहें तो लगा सकते हैं तेल या फिर नहीं हिप भी कर सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। और उसके बाद हमारी टिक्की तैयार।